प्रमोद प्रेमी जी बोल रहे हैं मेरा गाना है, खेसारी लाल यादव जी बोल रहे हैं मेरा गाना है, इस पर क्या कहेंगे? मेन बात बात हम का कही अब हम बोल ही के ना चाहे ला ढोड़ी से पैसा समझी कि एटीएम है बाबू हमें से निकलता, जब तक ढोड़ी वाला जहाँ एटीएम है वो खाली नहीं हो जाए पैसा तब तक मैं वही निकालू। अरे किसैया के जोगावल ई धनवा धुआं कैले बा तो खोदी खोदी ढोंढ़ी के देवारा कुआ कैले बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, आप सबका भाई गौरीशंकर इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज इससे मिलाऊंगा ना भैया पूरे कह ले तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में ढोरी चटवाया। जी हाँ, ढोरी चटवाया, उसके बाद अब ढोरी में कुआं कर दिए हैं। कैसे कुआं किए हैं तो आइए इन्हीं से पूछते हैं। आज हमारे साथ चंदन चंचल जी है, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और भोजपुरी नेशन न्यूज़ से जुड़े आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग कुछ बातें पे चर्चा करेंगे लोग। अच्छा भैया, पहले ये बताइए ढोरी में चटना के बाद कुआं काहे कर दिए? अब वो राइटर का ना है, इसमें राइटर चेंज हो गए ना अब। अच्छा, राइटर चेंज हो गए। प्रियादर्शी का लिखा हुआ गाना था। अच्छा। और पब्लिक ने काफ़ी इसको पसंद किया, अभी ट्रेंड चक किया हुआ है, रील से लेकर अभी यूट्यूब पर अभी तक 2 मिलियन गया। आज उसको केक काटने जा रहा हूँ। क्या बात है, ढोड़ी चटना का केक नहीं काटे थे मगर ढोड़ी कुआं का काट रहा हूँ, इसलिए ताकि उससे ज़्यादा प्यार इसको मिल गया कम समय में। तो हमको सोच थी आया कि हाँ जी इसको हम लोग इस पर कुछ पब्लिक के बीच भेजा जाए केक। देख लीजिए, ढोड़ी चटना पे भैया केक नहीं काटा गया था, ढोड़ी कुआं पे केक काट रहे हैं। काहे केक काट रहे हैं? इसलिए कि कम समय में जो उसका समय रिलीज डेट था वो तो लेट सेट मिला, मगर ये इतना प्यार मिल गया है कम समय में, 1 सप्ताह के बीच 2 मिलियन व्यू देखिए यूट्यूब पे है और रील पे ट्रेंडिंग कर रहा है। रील पे अभी तक मैंने 50,000 मतलब रील बन गया 1 सप्ताह के बीच, तो कहीं ना कहीं इन लोग इनका प्यार है। और ढोड़ी का बात रहा तो मान लीजिए इस आदमी हम जी रहे हैं तो हम भक्ति में काहे जाए, जब हमको ढोड़ी से जी रहे हैं, ढोड़ी से हमको मिल रहा है तो हम भक्ति में काहे जाएंगे? यानी कि चंदन चंचल जी ढोड़ी से पैसा कमा रहे हैं? हाँ, ढोड़ी से पैसा समझी कि एटीएम है बाबू हमें से निकलता। वाह, देख लीजिए, देखिए भोजपुरी में एक नया अनाउंस कर दिए हैं, चंदन चंचल ढोड़ी से पैसा कमा रहे हैं, ढोड़ी को एटीएम बना दिए हैं और एटीएम कार्ड डाल के जब मन तब ढोड़ी से पैसा निकाल लेते हैं। बस बस वही बात बा। और DRS म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे रिलीज भइल बटे। अच्छा, सोम्या जी मैं काम कैले बड़ी और अम्बे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भई रहा है, जो हमारे वोकल रिकॉर्डिंग भई रहा है दिल्ली, और हम अभी महाकाल स्टूडियो में बानी जा जो फर्स्ट पार्ट यहाँ रिकॉर्डिंग भई रहा है और बहुत दिन के बाद हम लाइव है आप सबसे देता नहीं इंटरव्यू। अच्छा भैया, एक करवा सवाल रहेगा थोड़ा, कब तक चंदन चंचल ढोड़ी से ही पैसा निकालेंगे? जब तक ढोड़ी वाला जहाँ ATM है वो खाली नहीं हो जाए पैसा तब तक मैं वही निकालूंगा। पहले 2 लाइन हो जाए, पार्ट भी तैयार करके रखा हूँ। अच्छा, इसको क्या करना है, लास्ट में मेरे को पुजाई करना है और पुजाई करके अगरबत्ती खोज के गोल ला के हमको निकल जाना है। क्या बात है, तो एक बार पहले हो जाए। वर्ड तीसरा अभी नहीं, वो वायरल हो जाएगा सॉन्ग, ढोड़ी चटना 3.0 भी आएगा। अच्छा, ये कुआं वाला सुना दीजिए पहले तो। हाँ, कुआं वाला ढोड़ी, कुआं वाला है किसैया के जोगावल ई धनवा धुआं कैले बा, अरे किसैया के जोगावल ई धनवा धुआं कैले बा तो खोदी खोदी ढोड़ी के देवारा कुआं कैले बा। अच्छा, एक सवाल रहेगा, हर वीडियो में चंदन चंचल देवरा ही क्यों बनता है, पति बनने का मन नहीं करता है? देवर में मतलब क्या बताए, देवर को लेकर जो होता है ना, देवर का मतलब एक्टिवेशन ज़्यादा है ना, मोटिवेशन ज़्यादा है इसके। भौजी का कहा है ढोड़ी पे ही क्यों नज़र डालते हैं आप हमेशा? अब क्या करें, वही पब्लिक हमारा सुनती है तो वही हम गाते हैं। अच्छा, अगर चंदन चंचल कुछ लव स्टोरी टाइप, पहले आपका एक गाना वायरल हुआ था अरे पूजवा बदल गेले, उस टाइप के अगर नहीं गाएंगे फिर? अच्छा, हाँ, आरा के हरिहर टिकली गाए थे, अभी देखिए ना उसका व्यू जाके कम से कम उसका भी 1 लाख भी पार नहीं हुआ। 1 लाख भी पार नहीं हुआ? हाँ, 6 मंथ हो गया। अच्छा। आरा का हरियर टिकली कितना बढ़िया बढ़िया शब्द है,
और इसमें एक सप्ताह हुआ तो जहाँ प्यार मिलेगा वही ना मैं करूँगा। मुझे एक सवाल रहेगा, दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि चंदन चंचल अथी मतलब होता है ना अश्लील टाइप हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग समझते हैं, आप वाकई में किस तरह के हैं हमारे दर्शक को बताइए। अब पब्लिक जो सोचते हैं वो सोचते हैं ना, पहले तो टिकुली वाला भी गाया था, गाना गाना रटत रहनी बब कट कटवाई बे टू जेड गाना बढ़िया बढ़िया गया था, मगर जो सोचे जिनसे अनुभव करे कि हाँ जो अश्लील हैं अगर उनसे उनको खुशी हो रहा है तो मेरे को क्या कमी है, बोलिए। मगर जो है वो मैं तो करता रहूँगा। DRS म्यूजिक से और कौन सा नया प्रोजेक्ट आने वाला? होली का आएगा, स्पेसिक पे आएगा होली में। हाँ तो आज रिकॉर्डिंग किए हम और इसको होली बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। होली में भी देवरा चटना का वर्जन आने वाला है कुछ? हाँ देवर पाएगा मगर कुछ अलग रहेगा। अच्छा कुछ अलग होने वाला है इस बार भी, मार्केट में इसे धमाल उमाल मचा देना है, हॉस्पिटल में राइटर को भर्ती कर देना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब कुछ बढ़िया होली का आएगा, एकदम बढ़िया आएगा। अच्छा ये बताइए एक सवाल रहेगा आपसे, अभी जो हाल ही में बात कर ले खेसारी लाल यादव जी का गाना आया था और वो प्रमोद प्रेमी जी का, दोनों में तगड़ा विवाद हो रहा है, प्रमोद प्रेमी जी बोल रहे हैं मेरा गाना है, खेसारी लाल यादव जी बोल रहे हैं मेरा गाना है, इस पे क्या कहेंगे? मेन बात बात हम का कही अब हम बोले ही कि ना चाहिला, सबको आदरणीय बस सबके हम प्रणाम बस सबके मान सम्मान। अच्छा आपका भी तो कोई गाना इस तरह से चुरा लेता होगा? तो हम गाना मेरा चोरी नहीं हुआ तो कैसे हम बताए कि हम मेरा गाना चोरी हुआ? आपका एक चोरी नहीं हुआ है? आप किसी का करते भी हैं लो तो मैं बोलता नहीं हूँ, नहीं मैं सब बताता हूँ, ठीक है जिनका मर्जी अपना करिए। दर्शक से क्या कहेंगे जाते जाते? दर्शक से ही कहेंगे सदैव अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए चंचल पे, जिस तरह ढोड़ी कुआं कैले अभी ट्रेंड कर रहा बा 2023 में, जैसे चटना का ब्लास्ट आप सब किए थे तो 2023 में इस लगन में आगाज है कि ये गाना बजेगा ही बजेगा, तो आप सब आशीर्वाद सदैव प्यार बनाए ही रखें। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, इनका गाना जरूर सुनिएगा कैसे गाए हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुनिए, सुन के कमेंट कीजिए कि क्या वो सही है कि गलत है, इनका गाना सुनिए, खूब सारा प्यार दीजिए इनको, देखते रहिए भोजपुरी नेशन में, आप सबका भाई गौरी शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद।